जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो वह बहुत नटखट थे। उनके कन्हैया, श्याम, नंदलाला और गोपाल जैसे कई नाम थे। हर नाम के पीछे एक कहानी है। ऐसी ही कहानी उनके गोविंद नाम के पीछे भी है। तो आज की कहानी इस गोविंद नाम पर ही आधारित है। हरे कृष्णा। बात उन दिनों की है जब बाल गोपाल कृष्ण जंगल में गाय को चराने जाया करते थे। एक दिन वह अपनी गाय को जंगल लेकर गए तो कामधेनु नाम की एक गाय उनके पास आई। उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा नाम कामधेनु है और मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। जिस तरह आप पृथ्वी पर गायों की रक्षा करते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और आपका सम्मान करने के लिए आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। कामधेनु की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उसे अभिषेक करने की अनुमति दे दी। इसके बाद कामधेनु ने पवित्र जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसके बाद इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां आए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आपके पुण्य कामों की वजह से अब से सारी दुनिया में लोग आपको गोविंद के नाम से भी जानेंगे।